हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर नर वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको साथ डिस्कस करूंगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कैसे अपनी एप्लीकेशंस को कैसे आप अपने पीसी में रन कर सकते हो, कैसे मोबाइल पे जो शो होता है वो आप अपने पीसी में शो कर सकते हो। ये आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा। कौन सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं इंस्टॉल करना, क्या क्या मोबाइल में सेटिंग हो गई, ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। कृपया करके बने रहें इस वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्टली आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने मोर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने नीचे शो होगा डेवलपर ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन ओपन होने के बाद यूएसबी डिबगिंग ये ऑफ मिलेगा, आपने इसको ऑन कर लेना है। फर्स्ट वाली सेटिंग ये है। अगर आपके पास ये वीवो V9 फ़ोन की सेटिंग्स है, अदर्स फ़ोन है, आप गूगल पर सर्च करके आपने यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर सकते हो कोई वीडियो में। फिर नेक्स्ट आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। VYSOR ये ऐप है, एंड्रॉयड कंट्रोल ऑन PC, ये फर्स्ट वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये वाली ऐप VYSOR। मैं ओपन करके दिखाऊंगा। ओपन करने के बाद ये वेलकम टू VYSOR ऐसे शो कराएगा और अपने फ़ोन को PC के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि कंप्यूटर में क्या क्या सेटिंग्स करनी है। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्टली आपने गूगल क्रोम में VYSOR फॉर PC डाउनलोड टाइप करना है एंड इस ऐप को सर्च कर लेना है। फर्स्ट में ये एड शो कराएगा, सेकंड भी लिंक पर भी नहीं क्लिक करना, फोर्थ लिंक पर आपने क्लिक करना है। फोर्थ लिंक पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। VSY एंड्रॉयड कंट्रोल ऑन PC डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। ये धीरे धीरे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप में ये फ्री डाउनलोड है, इस पर क्लिक करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये एक्सटेंशन है आपके गूगल क्रोम में शो होएगी। नेक्स्ट बताऊंगा कि ये ऐप है कहाँ पर शो होएगी। बने रहें इस वीडियो के साथ। मैंने ये ऑलरेडी एक्सटेंशन है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी है अपने PC में। टैब ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद ये ऐप्स पर क्लिक करना है। ऊपर ये लिंक है, इसको भी पेस्ट करके आप ये शो कर सकते हो। फिर VYSOR ये एक्सटेंशन शो होगी आपको, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फाइंड डिवाइस पर क्लिक करना है। साथ में आपने अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट कर लेना है। PC से आप कनेक्ट करने के बाद आपकी डिवाइस यहाँ पर शो होएगी। अभी मैं अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करूँगा विद वायर। वायर के थ्रू मैं अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करूँगा, तब यहाँ पर शो होएगी, अदरवाइज शो नहीं होएगी। ओके फ्रेंड्स, ये शो हो गई है। मैंने अपने फ़ोन को वायर के थ्रू PC से कनेक्ट किया। सेलेक्ट करेंगे इसको और ओके कर देंगे। इस डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट की एंड ओके करने के बाद ये हमारे PC पर हमारा मोबाइल है रन करने लगेगा। आप मूवी वगैरह अदर्स एप्लीकेशंस इस पर देख सकते हो। आप अगर इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस ऐप को कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, तब ये इसका साइज़ आपके लैपटॉप या PC में भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।